बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? और आप सब देख रहे हैं अब्दुल्ला फूड्स। अब्दुल्ला फूड्स में आज बहुत ही स्पेशल और यूनिक और बहुत ही डिमांडिंग रेसिपी में लेकर आया हूँ जी। प्राउन्स टेम्पूरा बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले ये मैंने मीडियम साइज़ के प्राउन्स लिए हैं, इनको हमने मिडल में कट्स लगा लेने, छोटे छोटे बिल्कुल, ताकि इनके मसल्स टूट जाएँ और ये बिल्कुल स्ट्रेट और सीधे हो जाएँ। हमने इनको कट्स लगा लेने इनके बैक साइड पे ऐसे, ये इस तरह से। प्रॉन्स को साफ सुथरा करके धो के वॉश करके इनको हमने कट्स लगा लेने। इसी तरह सारे प्रॉन्स को छोटे छोटे कट्स लगाएंगे इस तरह से। ताकि फ्राई करने में इनको कोई मुश्किल ना हो, कोई परेशानी ना हो, बिल्कुल इजीली और अच्छे से फ्राई हो जाएं ये। सारे प्रॉन्स रेडी कर लिए कट लगा के, ये देख लीजिए, सबके सबको बिल्कुल सीधा कर लिया, स्ट्रेट। अब इसमें शामिल कर लेंगे नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, वाइट पेपर ऐड करेंगे इसमें, और चिकन पाउडर थोड़ा सा, और उसको मिक्सअप कर लेंगे बहुत अच्छे से। मिक्सअप करके इसको हाफ एन आवर के लिए रख देंगे। अब सेकंड स्टेप में हमने इसमें ऐड किया है कॉर्नफ्लावर, सेकंड इसमें ऐड करेंगे ऑल पर्पस फ्लोर, मैदा। मैदा इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करना, थोड़ा सा इसमें ऐड करना है। एक अंडा इसमें शामिल कर लेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा सा शामिल कर लेंगे कुकिंग ऑयल, और इसको मिक्सअप कर लेंगे। मिक्स करेंगे इसको 5 से 10 मिनट तक। ये इस तरह का मटेरियल बन जाएगा। अब इसमें हमने शामिल कर देना है थोड़ा सा पानी, और इसको इस तरह बना लेंगे। ये इस तरह इसका मटेरियल बन जाएगा। अब इसमें थोड़ी सी चीनी ऐड करनी है, शुगर, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। इसको मिक्सअप कर लेंगे बहुत अच्छे से। कढ़ाई में हमने ऑयल गरम कर लिया है, ऑयल याद रहे गरम हो बहुत ज़्यादा, ताकि ये टेम्पूरा प्रॉन्स इजीली फ्राई हो सकें। ये ऐसे इसमें डिप करेंगे और इसको प्यार से निकाल के ऐसे फ्राई कर लेंगे। ये बिल्कुल वही रेसिपी है जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में आप यूज़ करते हैं, खाते हैं। ये बिल्कुल वही सेम रेसिपी है प्रॉन्स टेम्पूरा की। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा और कमेंट्स करें, मुझे बताएं कि ये मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। हमने कम कम फ्राई करने, एक वक्त में सारी कढ़ाई में नहीं डाल देने,
चार से पांच ही अच्छे आपने फ्राई करने, ताकि इजीली उसको स्पेस मिले और वो अच्छे से फ्राई हो सकें, वरना वो फूलेंगे नहीं और वो टेस्ट डेवलप नहीं होगा उनका। ये देखें प्रॉन्स जो हैं वो फूलना शुरू हो गए हैं और बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये देखें फ्राई हो चुके हैं प्रॉन्स, बहुत ही अच्छा और गोल्डन उनका लुक आ चुका है। इसी तरह सारे फ्राई कर लेंगे प्रॉन्स। देखिए मैं कितने तीन से चार सिर्फ फ्राई कर रहा हूँ एट अ टाइम। रेडी हो चुके हैं हमारे प्रॉन्स, अब इसको सर्व किया है मैंने। इसको यूज़ करेंगे चिली गार्लिक सॉस, और भी आप कोई भी सॉस यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए अपने दोस्त अब्दुल्ला को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।